तो ये व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ रोज गेमर्स। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक और बार मस्त वाला नया गेम। वाओ। और जिस गेम का की नाम है 100 इयर्स सिम्युलेटर। हाँ भाई, आप लोगों ने सही सुना, सिम्युलेटर की गेम हम लोगों ने खेले ही है, पर ये एक सिम्युलेटर का ही गेम होने वाला है 100 इयर्स का। पर मैं 50 इयर्स तक ही खेलने वाला, इतना टाइम थोड़ी है भाई अपने पास। इस गेम में बहुत मतलब लाइफ स्टाइल के ऊपर गेम है कि हम लोग छोटे से बड़े कैसे होते हैं, हम कैसे रेंगना अपने को, सब कैसे सीखते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, पूरा लाइफ स्टाइल के ऊपर है। मतलब समझदार, मतलब समझने के ऊपर भी है ये गेम। तो वीडियो को देखना लास्ट तक देखोगे तो लाइक करके जाना। तो अभी ये जो कुछ सामने मेरे आ रहा है इसको फटाफट मुझे कंप्लीट करना है, ग्रीन पे स्टॉप करके। अभी आगे वाले में मैंने स्टॉप करा और ये कंप्लीट हो गया, और अभी अपना गेम कुछ स्टार्ट होगा, कॉज योर बेबी। तो यहाँ पे मुझे सेकंड वाला एकदम मस्त लग रहा है, वैसे सभी अच्छे होते हैं बेबी, पर मतलब थोड़ा सा ऐसा बता रहा हूँ सेकंड वाला सही लग रहा है। और ये अपना बेबी यहाँ पे आ चुका है, और एक सेकंड, इसका नाम कुछ अलग लग रहा है यार, ऐसे इंग्लिश विंग्लिश नाम मैं नहीं रखने वाला, मैं मेरे मन से कुछ अच्छा सोच के रख लेता हूँ। ओके, तो इसका मैंने नाम रख दिया हो, और अभी कुछ ये रेंगते रेंगते जा रहा है वन की तरफ, मतलब कि ये एक साल का होने वाला है। इसका नाम मैंने श्लोक रखा हो, श्लोक मतलब एक ऐसा नेम है जो एकदम शरीफ बंदा है, और इसको हमको शरीफ ही बना रहा है। और अभी ये खेल रहा है, और ये इसके मॉम और डैड मतलब कि मम्मी पापा है, और भाई क्या ही मस्त खिला रहा है। और अभी हमको क्या करना है, एक सेकेंड। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है डैड और मॉम। तो बच्चों को, आपको तो पता ही भूख लगती है, तो मैं मॉम को चूज़ करूँगा, जहाँ पर मम्मी है वहाँ पर हम जाएंगे और भरपेट अपना दूध पिएंगे, क्योंकि जलम दे दूध पीना पड़ता है, तो फटाफट पी। ओके, तो अभी मैंने दूध पिया है, और अभी हम होने वाले हैं 2 इयर्स के, मतलब कि अभी हम लोग 2 साल के होने वाले हैं, और अपनी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ चुकी है। देख रहे हो दूध पीने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे अपनी हाइट बढ़ चुकी है, और सामने कुछ खिलौने हैं, और मैं मोबाइल को क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो हमको अभी रेंगना सिखा रही है जो अपनी मम्मी है, मतलब इस बंदे की, वो इसको रेंगना सिखा रही है, मतलब चलना घुटनों की बल। तो ये आराम से सीख गया, पर कंट्रोल तो मैं ही कर रहा हूँ, पर ये सब एकदम सीखता है कि बचपन से बड़े होते हैं तो कैसा। आगे चल के आप देखोगे ना, गेम में बहुत मजा आने वाला है। अभी इतना नहीं, पर भाई इसकी टी शर्ट चेंज हो गई भाई, 3 साल के होते टी शर्ट चेंज। ओके, तो चलो कपड़े वगड़े ले लिए लगता है बंदे के लिए। तो अभी 3 साल का हो चुका फाइनली, और अभी ये क्या कर रहा है, एक सेकंड भाई तू। ओके, तो भाई ये एक खिलौने के वहाँ पे जा रहा है क्या, एक सेकंड, यहाँ पे वेज टॉय नाइट। ओके, तो बच्चों को तो खिलौने पसंद है, हम लोगों को तो पता ही है, वो कांच का बांडा लेके कई पाव वगैरह में घुस गया। और अभी मुझे पता ही गाने वाले मतलब क्या करने वाला है, ये सब तोड़ने वाला है, क्योंकि मैं भी यही करता था भाई। उसके अंदर क्या है वो देखने की मुझे बहुत खोज रहती थी। और यहाँ पे इसके पप्पा आ चुके हैं इस बंदे के, और अभी मुझे लगता है ये इसको गुस्सा होने वाला है, क्योंकि भाई वो उसने तोड़ दिया, वो नया था, और भाई होना ही चाहिए भाई गुस्सा, कोई इतना नया लेके आता है खेलने के लिए, और भाई कोई इतना तोड़ देता है तो गुस्सा आता ही है। और फाइनली अभी हम रेंगते रेंगते जा रहे हैं। ओ भाई एक सेकेंड, ये क्या हो गया, मैं बड़ा हो गया क्या एकदम से, भाई ये क्या हो रहा है अभी। ओ भाई साहब, इतनी ज़्यादा हाइट बढ़ गई। ओके, तो मतलब मैं 4 साल का नहीं, डायरेक्ट 5 साल का हो चुका हूँ मैं, नहीं मतलब ये जो सामने वाला बंदा है, आप समझ रहे नहीं हो गए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये 5 साल का हो चुका है, और उसकी हाइट बढ़ चुकी है, और ऊपर पहले ब्लैक था तो नीचे चड्डी आ गई ब्लैक, और इट्स लंच। ओके, तो अभी ये स्कूल में है, और अभी लंच टाइम हो रहा है, और ये पीछे कौन बैठी है, चूहे की शक्ल की, पागल गई की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्वाइट योर फॉर्म लंच ईट अलोन। नहीं, मैं अकेला खाऊंगा, मेरे घर पे से मस्त वाला टिफिन आया, मैं अकेला खाने वाला हूँ भाई। जाओ तुम्हारी भैंस की पूछ, निकलो बेड में जब तब निकलो, उधर खाओ तुम लोग। तो हम लोग अभी अकेले अकेले मजा करके खाने वाले। वैसे स्कूल में तो सब बैठ के खाते हैं, पर लड़कियों के साथ कभी बैठ के मैं खाया भी नहीं हूँ, और ये बंदे को भी खिलने मतलब खाने नहीं दूंगा। तो अभी मैं जाने वाला हूँ आगे, मतलब कि हम 6 इयर्स के होने वाले हैं, और हम लोग फाइनली 6 इयर्स के हो चुके हैं। अभी मैं प्ले करता हूँ, और इसकी मॉम इसको कुछ डांट रही है मम्मी। और यहाँ पे ये बाथरूम इतना गंदा क्यों हो रखा है भाई, एक सेकेंड। ओके, तो मतलब ये बाथरूम इसको साफ़ करना है, और मज़ा भी आ रहा है साफ़ करने को। और बट बाथरूम के ऊपर इतना गंदा कैसे होता है, अंदर होता है वो अलग बात चलती है, पर इतना ऊपर से गंदा, तो छोड़ो अभी ऊपर से रहने दो, नीचे से फटाफट साफ़ कर लेते हैं। तो फाइनली टॉयलेट भी क्लीन हो चुका है, और अभी हम 7 साल के हुए, हमारी पैंट भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, आप लोग देख ही सकते हो। और अभी हम लोगों का मतलब कुछ और काम बनने नहीं वाला है, कोई इतना छोटे, अबे यार मैं नेट ऑफ रखा। तो
तो यहाँ पे जो कि मैंने नेट ऑन करा और वो जो लोडिंग खाया, फिर हम लोग सीधा एक पिकनिक पे आए हैं। हमारे पापा कुछ खाना वगैरह पका रखे हैं और सामने कुछ ग्रुप बना के बंदे और बंदियाँ खेल रखे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आया फिशिंग, ज्वाइन देम, मतलब समझ रहे हो यार बंदे की सोच, समझ रहे हो भाई। मैं तो फिशिंग करने वाला हूँ क्योंकि उन लोगों में जाके मैं अभी समझ रहे मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सब नहीं करने वाला हूँ। बस सीधे साधा फिशिंग करने को आया हूँ और अभी हम लोग प्यार से यहाँ पे फिशिंग करने को लग चुके हैं। और भाई इसका ध्यान वहाँ पे क्या है भाई, मत वो सब मत कर, तुझे शरीर बंदा बनाना पैसे वाला, ऐसे वैसे मत कर। अगर वैसे ऐसे करने से कुछ होता नहीं है पर नहीं करना चाहिए भाई, मैं भी वैसे बंदा नहीं हूँ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मैं फिश पकड़ रहा हूँ, पकड़ भी ली भाई, क्या ही हो भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही बड़ी फिश पकड़ ली हम लोगों ने। और अभी हम लगता है कुछ 8 ईयर्स के होने वाले हैं, तो अभी हम 8 ईयर्स के हो चुके हैं। और अभी मैंने प्ले करा, टैग एवरीवन ओके, तो मुझे ये सब पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं और ये मैं खड़ा हूँ और मुझे इन लोगों को कुछ पकड़ना वगैरह होगा भाई। चार चार बंदे भाग रही, ये ले पहले को पकड़ लिया, अच्छा तू इधर से भागेगा, मैं पीछे से आऊँगा, दो दो जनो ना धक्का बुक्की, ये ले बेटा अभी तू उधर भागेगा, अच्छा पता था मुझे अभी तू इधर से पकड़ेगा, ये ले ले, अरे स्पीड ज़्यादा तेरी, ये ले पकड़ लिया तुझको भी, अभी ये अकेले में उधर ही भागी जा रही है, आ जा, अच्छा उधर भाग जाएगी, पता है मुझे अभी इधर आएगी ना, अभी ये ले पकड़ लिया, सबको एक सेकंड में आउट कर लिया भाई, देख रहे दिमाग देख रहे चोरी का। तो अभी हम लोग 9 ईयर्स के होने वाले हैं भाई साहब, और उसके बाद 10 तो आते ही है। और 9 ईयर्स पर अपनी हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई यार, सच्ची कह रहा हूँ। तो अभी फटाफट चेक करते हैं 9 ईयर्स में अपने साथ क्या होगा। ओ एक सेकंड, मैं 9 ईयर्स पर घर में बैठा हूँ और ये ड्रॉर के इधर क्यों जा रहा है भाई, तो ड्रॉर के इधर, और यहाँ पे बनाना और क्लोन लिख के आ रहा है, तो मैं क्लोन पहन लेता हूँ भाई। मतलब कुछ फेस्टिवल होगा तो ये लोग क्लोन वगैरह कुछ भी बनाना कैसा लगेगा, अलग ही लगेगा, तो क्लोन पहन लिया। और ये ग्रुप शुप बना के भाई पूरा ग्रुप बना के भाई कैसे नाच रहे हैं एड़े जैसे, बाकी ये इसने ये छोटे लड़की ने भी हम लोगों के जैसे ही पहना है। और अभी हम लोग कौन सी तो पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, कौन सी पार्टी है, और ये बैटमैन कहाँ से आ गया भाई, क्लोन और बैटमैन की तो जमती नहीं है। नहीं नहीं भाई यार मुझे क्लोन नहीं पहनना चाहिए लगता है, तो फिर से करते हैं, मुझे बनाना पहनना पड़ेगा लगता है। ओके तो फाइनली यहाँ पे मैंने बनाना पहन लिया, और कैसा अजीब सा लग रहा है भाई, ये नीचे से ऊपर से कैसे अलग लग रहा है। और इसने भी ड्रेस चेंज कर लिया, स्ट्रॉबेरी बन के आ गए भाई, दोनों की कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो रखी है। एक पड़ेगी रेपटे तब समझ में आ जाएगा, वही कपड़े पे तो अच्छी लग रही थी, भूत नहीं गई की। तो अभी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, इतने रात के कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, बाकी इन लोगों का सिटी मस्त है ना, बाकी सब बंगले वाले। और यहाँ पर नाइस हाउस या स्पॉकी हाउस, तो चलो स्पॉकी हाउस की आदत है तो स्पॉकी हाउस में चलते हैं। अच्छा हम लोग चंदा मांगने हैं, चंदा नहीं भाई, इसका कुछ तो फेस्टिवल का है। और भाई ये कौन है भाई, ओके तो चलो स्पॉकी हाउस वाले ने कुछ तो दे दिया, नाइस हाउस वाला कुछ देता है या फिर भगा देता पता नहीं। वैसे हम लोग खुश हो चुके हैं, और अभी हम फिलहाल के लिए 10 ईयर्स के भी होने वाले हैं। ओके तो अभी हम लोग 10 ईयर्स के हो चुके हैं फाइनली, और अभी प्ले करेंगे तो देखेंगे क्या मजा आने वाला है और क्या नहीं भाई। तो चलो फटाफट 10 ईयर्स को प्ले करते हैं, यहाँ पे मैंने प्ले पे क्लिक करा। हेलो भाई, ओ भाई क्लिक हो जाना, एक सेकंड, ये क्या हो गया यार, नेट से चलता है क्या ये गेम। अच्छा चलो क्लिक हो गया, और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है और एक हमारे पापा लगता है, जो कि हम लोगों को पापा है या ट्रेनर है पता नहीं, जो कि हमको स्विमिंग सिखा रहे हैं। और यहाँ पे कीप ट्रेनिंग, आई एम रेडी नाउ, नहीं मुझे नहीं आती है भाई स्विमिंग, कीप रेडी नहीं, कीप ट्रेनिंग करा। और 1 आवर लेटर के बाद भाई मैं तो पूरा ताड़ने लग गया, उस बच्चे को भी पीछे छोड़ दिया। चलो भाई हम लोग तो किंग बन गया, अभी हम 11 साल के होने वाले हैं। तो फाइनली अभी हम 11th के हो चुके हैं, 11 साल के मतलब के। और हमारे पापा हमको बुला के अभी क्या गाड़ी वॉश कराएगी क्या भाई, भाई ये गाड़ी गंदी ऐसी कैसी हो गई है, कौन से कलर का कीचड़ ला के रख दिया यार इन लोगों ने, होली भी नहीं खेली है क्या भाई। चलो अभी कुछ देरी में फटाफट मतलब इसको साफ कर लेते हैं। तो अभी हम जो कि 12th के हो चुके हैं, 12 साल के, और अभी हम एक चर्च में आए हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वर्ल्ड पेस गुड डोजन, मतलब मैं भगवान को मानूँ या ना मानूँ भाई, गेम हो या कुछ भी हो भगवान को तो मानना चाहिए, वो चाहिए कौन सा भी हो, भगवान सब एक ही समान होते हैं। और यहाँ पे मैंने भगवान को माना, और ये फादर कुछ हमके लिए प्रे कर रहे, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, पर उजेला उजेला वगैरह बहुत कुछ हो रहा है। पर छोड़ो अभी भगवान को मान ही लिया है, तो चलो अभी हमारी शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है लगता ही है। तो हम 13 ईयर्स के होने वाले हैं ऐसे मुझे लग रहा, हाँ हम लोग 13 ईयर्स के होने वाले हैं। यहाँ पे अपनी हाइट और बढ़ने वाली है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है भाई, क्या ही मज़े वाले कपड़े पहन लिए भाई मैंने, भाई ये वाले कपड़े कुछ अलग लेवल के लग रहे, ये कपड़े पर भी मज़े आने वाले खेलने में। तो अभी फटाफट 13 ईयर्स के हो गए तो प्ले करते हैं। और अभी मैं कुछ हाई स्कूल में आ गया क्या, एक सेकेंड, मेरा स्कूल में बड़े वाले एडमिशन हो चुका है,
और अभी मैं ये हाई स्कूल में आ चुका हूँ। और भाई ये भाई मैं मूर्ख कहीं के पाँव डाल के गिरा दिया और हंसे भी जा रहा है ऊपर से। और यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है फाइट या कीप वॉकिंग कर लेते हैं कि फाइट, चलो फाइट ही कर लेते हैं भाई। इसका एक बार मैं मुँह तोड़ दूंगा तो मतलब दूसरी बार ही सोच के करेगा कुछ तो। अभी मैंने फाइट करा और अभी मैं उठ चुका हूँ। पर भाई अपने से बहुत ज़्यादा बड़ा है और अपने कैरेक्टर ने सोचे भी ना इसको भर दिया और पूरी भीड़ जमा हो चुकी है। ये ले बेटा अभी तो और एक खाएगा, तू मुझे मारेगा, ये ले एक मार ले अभी तू खाएगा अभी जोर से, अभी मुक्का दूंगा ना तेरा नाक भी फूटने वाला है। ये रेड पर होगा और ये ले भाई परफेक्ट। भाई किधर मारा पता नहीं चल रहा है पर दिन में तारे दिखा दिए। और भाई सॉरी, अरे भाई फैन बना रहे भाई, ऑटोग्राफ, अरे हटो हटो हटो, टीचर दिखा हो इतनी, अभी ये कौन है भाई उसने को भाई इसकी भाई भी अभी मैं इसको शरीफ बनाया जा रहा हूँ। और ये क्या कर रहा है अभी मैं बोलूँगा नहीं इसको, मैं फ्रेंड बोलूँगा, वो वाला गर्ल वाला नहीं बोलूँगा भाई मैं तो। अभी मैं 14 इयर्स का ये क्या रीच योर गर्ल, मतलब अभी क्या यहाँ तक पहुँचना है क्या मुझे उसकी तब पास। अभी ये क्या क्या हो रहा है भाई, ये लाइफ में मैंने कभी नहीं किया भाई। आपने किया कि नहीं कॉमेंट में बताना मुझे, नहीं तो इंस्टाग्राम पर बता देना। और मुझे सिर्फ उसके पास जाना है और ये पागलों जैसे जॉगिंग क्यों कर रहे हैं, भाग मिल्का भाग वाली। और ये शॉर्ट मुझे कुछ गलत लग रहा है ना, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यार। तो अभी हम लोग जो 15 इयर्स के हो चुके हैं फाइनली, और जो श्लोक बंदा है वो सो रहा है अभी। और अभी हम लोग कुछ तो ऑप्शन मिलने वाला है भाई, सुबह भी हो गए हो तो चलो सुबह हो गए, कपड़े पहन कर सो लिया भाई, चद्दर वद्दर तो ओढ़ लेता। और यहाँ पे गो टू स्कूल था तो मैंने स्कूल को बंक दबा दिया भाई गलती से। तो अभी हम लोग अभी स्कूल नहीं जाने वाले मुझे लग रहा है। मुझे ये नहीं करना था, मुझे इसको शरीफ दबाना था, गलती से मैंने वो बटन क्लिक करा। यहाँ पे ये क्या है ग्रुप, भाई ये कौन सी भाषा में बात करती है, ये तो चाइनीज की मुँह की कौन सी भाषा में, ओके तो पूरा ग्रुप बंग मार रहा है भाई, क्या ही बंग मार रहे हैं भाई ये लोग सच्ची भाई, बहुत तगड़े वाले स्कूल बंग मार रहे हैं। पर मुझे स्कूल जाने का वो दबाना था। पर छोड़ो अभी हम 16 इयर्स के होने वाले हैं, तो अभी हम लोग जो 16 इयर्स के हो चुके हैं और चिड़िया वगैरह ओके, तो ये बग वाला सीन है, कुछ पिकनिक वगैरह मना रहे हैं। सामने की तरफ तालाब है बड़ा और ये एक्सरसाइज करके भाई कूद गया भाई, टाप रहे भाई, क्या ही मुझे भी टापने का क्योंकि अपने को तो स्विमिंग आती है आप लोगों को पता है। पर ये दोनों का इधर क्या चल रहा है भाई, ये कौन सी भाषा में, यहाँ पे जंप या डोंट जंप, मुझे कंटाला आ रहा है तो मैं डोंट जंप में कर लूँ क्या। ओके तो चलो मैंने डोंट जंप करा और इसको गुस्सा आ गया क्या भाई, एक सेकंड भाई फ्रेंड छोड़ो भाई, ऐसे ऐसे चाइनीज फ्रेंड्स को गुस्सा आ रहा है, पर नाच रहे कैसे पानी में, गिल्ले तो हो जाओ थोड़े से। तो चलो अभी हम लोग होने वाला है 17 इयर्स के, तो अभी हम लोग जो 17 इयर्स के हो चुके हैं और हम लोग वीडियो गेम मजे में खेले जा रहे हैं। और ये चाइनीज फिर से यहाँ पे आ गई भाई, मैं इसको इग्नोर मारूंगा भाई, गेम में मर गया ना भाई तुझे पीट दूंगा मैं। अबे यार इसको गुस्सा का है, इसको कौन लग, नहीं नहीं वायर को तो देख, वायर निकाल दी, मैं इसको वीडियो गेम मुंह पे मार दूंगा नाक पे चाइनीज मुंह की। यहाँ पे क्या रहा है, हग यार इग्नोर इग्नोर निकल, पहले तुझे हग करूँगा, हग सॉरी भाई ये गंदा हो गया, छोड़ा थोड़ा इसको इग्नोर मार के इसको भगा दिया मैंने। और अभी मैं अपना अपना मजे में गेम खेल रहा हूँ। और अभी हम लोग फाइनली होने वाले 20 इयर्स के, मतलब डायरेक्ट 18 नहीं 20 इयर्स के हम लोग होने वाले हैं। और हमारी बॉडी हम लोग कुछ मैन में चेंज होने वाले हैं, बॉय से ऐसे कुछ लग रहा है, और हम लोग एक मैन बन चुके हैं बॉय से। और अपना मुँह शक्ल बॉडी हाथ पैर कुछ अलग लुक आ चुका है, मतलब एक कहते हैं ना आदमी वाला लुक आ चुका है। और पहले हम लोग की क्यूट बॉय थे, तो अभी हम लोग 20 इयर्स के हो चुके हैं और अभी देखेंगे हमारे लाइफ में क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं मोबाइल देखे जा रहा हूँ ओके, तो मैं मोबाइल में वैसे काम का कुछ, हम लोग अभी बड़े हो चुके हैं तो बिजनेस वगैरह का कर रहे होंगे। और ये खुद के लिए एक वाइफ ढूंढ रहा है भाई, ऐसे वाइफ नंगी पुंगी मुझे नीचे कपड़े सिला के आ जा। और ये कौन आ रही, अबे तेरे को नाचने किसने का पागल, चाइनीज चापानी निकल यहाँ से। और ये बंदर कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि हम लोगों को इसको शरीफ बना रहे, तो बंदर के साथ फ्रेंडशिप करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं 25 साल का हो गया, नेटवर्क भी जीरो, कुछ कमाया नहीं खाया नहीं, बंदर ने मुझे मार दिया यार, बंदर के साथ फ्रेंडशिप करा तो, और उसके साथ क्या क्या करा वो सब आपको देखना है तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा अगर आप कमेंट में कहोगे तो। तो अभी फटाफट हम लोग फिर से 21 इयर्स पे चलते हैं और कोई एक फालतू सी लड़की को चूज कर लेते फटाफट। तो हम लोग फिर से 21 इयर्स के हो चुके हैं और हमारे साथ हमारी एक वाइफ है, वाइफ कह सकते हो या फ्रेंड कर सकते हो। और बंदर को मैं बनाना खिलाता था, कोई यहाँ पे नाचने आता था, सब लोग भाग जाते थे। और ये देखो भाई बड़े बाल की शौक लगी हो भाई, इसको क्या हो गया फिर क्यों नाच रही है, ज्वेलरी देख के तो मैंने लेने वाला हूँ, मुझे खुद ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती है भाई। यहाँ पे ये भाई $20 में बिक रही है, इतने ज़्यादा महंगे, और दोनों ऑप्शन भी बाय आ रखे हैं, ये तो ना इंसाफ ही होगा, मुझे लेने ही नहीं थे पर छोड़ो अभी ले लिया मैंने। और ये भिखारी को दे दिए, भूत की शक्ल की गेम में ऑप्शन नहीं होना चाहिए था यार, ये सब क्या है, पर ये लाइफ के ऊपर गेम है तो रहता ही है यार लाइफ में ऐसा। और मैं कैसे चल रहा था भाई,
तो अभी हम लोग फाइनली 22 इयर्स के हो चुके हैं और ये फिर से मोबाइल देके जा रहे हैं। मैं मोबाइल में काम धंधे का कुछ देगा कर, ये देखो ये चैट कर जा रही है, हाय यो 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 भेज रहा है उसको, और वो नो मतलब कुछ रिप्लाई नहीं। और अपने पास दो ऑप्शन थे, मैंने हाउ आर यू कर दिया, भाई कैसे क्या कर रहा है, या फिर टॉक टू मी प्लीज़ रिस्पॉन्स, भाई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो प्लीज़ रिस्पॉन्स कर देते हैं, यहाँ पर मैंने कर दिया। और गेट लॉस्ट, भाई बंदे की कुछ इज्जत ही नहीं है उस बंदे की, जो बंदा इससे बात कर रहा था मुँह पे गेट लॉस्ट कर दिया। और भाई फोन मत फेंक, यूट्यूब चैनल था उसमें मेरा ख़राब कर दिया, वैसे मजाक कर, यूट्यूब चैनल मेरे मोबाइल में। तो अभी ये बंदर की शक्ल का पागल जंप अप कर रहा है और मेकअप कर रहा है, चलो मेकअप पे क्लिक कर देते हैं। क्या आंसू वगैरह पोछेगा क्या भाई तू, पोछ दे भाई आंसू। हाँ भाई ये सब नहीं करना चाहिए, ये कर रहा क्या है, एक सेकेंड इसने मोबाइल उठाया और अभी ये कर रहा गया है भाई मोबाइल में, फिर से मैसेज डाल रहा गया भाई तू उसको मत कर मैसेज, तो अपना अपना काम कर पैसे वाला। भाई ये कौन सी स्टाइल में मोबाइल पकड़ लिया, किससे बात कर रहा है, सॉरी भी नहीं कह रहा गया उसको भाई यार ये। चलो अभी हम 23 इयर्स के होने वाले हैं भाई, ये मतलब इसने उसको फ़ोन करके मना लिया और ये अभी दोनों भी रिलेशनशिप में, और इसने लंबोर देखी और ये उसको छोड़ के भाग गए भाई, गिर जाएगा अभी जूता पागल कहीं के उसके पीछे बोला था मजा। तो अभी इधर क्राई और फाइंड अ जॉब का ऑप्शन आया, तो क्राई तो मैं नहीं करने वाला, फाइंड अ जॉब कराते हैं इसको बेचारे को, क्योंकि हम लोगों को इसको एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। और अभी तक ये घर पे भी गया नहीं है, इसके मम्मी पापा इसका वेट कर रहे होंगे और ये क्या क्या कर रहा है। और अभी हम लोग होने वाले हैं फाइनल 25 ईयर्स के, तो अभी जो फाइनल 25 ईयर्स के हो चुके हैं उसको एक काम लगा है कुछ तो अच्छा, और ये मैनेजर को लेके जा रहा है कॉफ़ी। तो हेलो मैम मैं आऊँ क्या, अच्छा मैं आई है अंदर मैम कुछ, और चाइनीज के मुँह की दिख रही है भाई मेकअप कितना करा है, कॉफ़ी पी लो मैम बहुत बढ़िया बने। कॉफ़ी फेंक क्यों थी भाई तूने, तो यार मुझे अभी क्या आ रहा है, तो मैं इसको क्लीन अप ही कर देता हूँ, क्योंकि पंच ईयर कर दिया तो जॉब से निकाल देगी मैडम जी, तो मैं इसको क्लीन अप कर देता हूँ। तो चलो फटाफट हम नीचे का साफ कर रहे, और उसने कहाँ पे रखा है पाव यार, छोटे कपड़े पहन रखे और पाव भी रखा है ऊपर, बेशरम गई की। तो अभी हम लोग कितने साल के होने वाले हैं फाइनली पता नहीं, तो अभी हम लोग होने वाले हैं 27 ईयर्स के, तो अभी फाइनली हम लोग 27 ईयर्स के हो चुके, हम लोगों को पॉटी आ चुकी है फाइनली भाई, मतलब 27 ईयर्स पे होने के बाद के पॉटी आती है। तो यहाँ पे मैं इसको मेंस टॉयलेट में लेके जा रहा हूँ, वुमेंस में लेके जाऊंगा, पीट जाएगा बेचारे को। हम लोगों को शरी बनाना, नॉक ऑन द स्टॉल, नहीं भाई उसके अंदर नहीं करूँगा मैं, नॉक करके बोलूँगा भाई साहब हुआ क्या आपके टॉयलेट करके। हेलो भाई वो क्या भाई हल्का का बच्चा कहाँ से आया भाई, पागल है क्या ये, मार दिया भाई मुझे, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। अभी मैं नॉक करूँगा तो वो फिर से मारेगा, इससे अच्छा मुझे इसके अंदर ही टॉयलेट करनी, मतलब इस बंदे को भाई कैसा दिख रहा है वो, छी भाई चॉकलेट छी 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 बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हम 30 इयर्स के होने वाले हैं कुछ आस पर नहीं 29 ईयर्स के, ओके अभी फाइनली हम लोग 29 ईयर्स के हो चुके हैं, और इस बंदे के पास अच्छी खासी पगार सैलरी भी आ रखी है। तो ये कुछ नई कार ले रहा है, तो यहाँ पे एक वाइट लैम्बो है और ये ब्लू वाली है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर जो ज़्यादा सस्ती है उसमें काम चला लेती, क्योंकि इसको मतलब सब सिखाना है कैसे क्या करना है। तभी मैंने इसको 21 वाली थी उसको ले लिया, और अभी हम 30 इयर्स के होने वाले हैं फाइनली भाई साहब। अपना जो बंदा अभी ब्रांड न्यू कार में, मुझे लैम्बो लग रही है, बुगाटी मुझे पता नहीं, और ये फिर से आ गई है। अभी इसको देखो कैसे इसकी मजा लूँ, आ जा भाई कार में बैठ जा, आ जा इधर आ जा भाई, गिर जा तू भाई, देखो अपने साथ हुआ था वो आज इसके साथ हो गया, और अभी अपनी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। और अभी हम लोग 31 इयर्स के भी होने वाले हैं, तो यहाँ पे जो कि अपनी कार एकदम अच्छी खासी क्लीन हो गई है, और अभी हम 32 इयर्स के फाइनली हो चुके हैं। और अभी हम लोग एक कहाँ पे तो आए हैं घूमने के लिए, और है ये भाई कोई कोई तो हम लोगों को पुकार रहा है, कौन बुला रहा है भाई, अच्छा तू चाइनीज, मुझे काम से निकाल दिया था ना तूने, यहाँ पे आ जा गेट ओवर यार, मैंने इसका काम छोड़ा और दूसरी जगह पे हम लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। और ये कह रही है हम लोगों को मेरे घर पे कॉफ़ी मशीन है वहाँ पे, तुम आके इसको फिक्स कर दो, मतलब कि बना के दे दोगे क्या। तो मैं अभी देखो मुझे ऑप्शन आ रहा है मैम की, सॉरी एमबीजी भाई, सॉरी एमबीजी निकल पहली फुर्सत में, तेरी बहस की पूछिए क्या कर रही है भाई, इसने हम लोगों के साथ कुछ तो कांड करा है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी हम कितने 33 इयर्स के हो रहे, ओके तो अभी हम लोग भीख मांग रहे हैं, आप लोग सोच रहे होगे मैं भीख क्यों मांग रहा है, एक लंबोर वाला बंदा भाई उसने वहाँ पे बात करके मेरी वहाँ से भी जॉब कटवा दी, और अभी पुलिस क्यों आ रही है सर इट्स इलीगल। अभी इलीगल क्या है भीख मांगना, इलीगल है दिस इस गन, मैं इसके गन लेके फोन दे दूँ इसकी गन लेके कि अरेस्ट हो जाओ, मैं सोच रहा हूँ अरेस्ट हो जाते हैं छूट के एक आध बार बाहर तो आ ही जाएंगे। तो चलो अभी अपनी ज़िंदगी जेल वाली स्टार्ट होने वाली है, बहुत कुछ हो रहा है यार इस बंदे की लाइफ में, मुझे इसको कुछ भी करके एक अच्छा नेक बंदा पैसे वाला बंदा बनाना है सक्सेसफुल बंदा। तो हम लोग जो कि जेल के अंदर आ चुके हैं, और हम लोगों को कपड़े पहनने कौन से वाले, ब्लैक एंड व्हाइट वाले पहन ले तो अच्छे लगेगी, अभी शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं, तू जेल में आया और नाचे जा रहा है भाई। तो
चलो अभी हम 35 इयर्स के हो चुके हैं, मतलब कि जो ये बंदा है वो 35 इयर्स का हो चुका है। ये कुछ ला रहा है शावर के नीचे भाई, तांदूल राइस टाइप कुछ आ रहा है शावर से। और यहाँ पे अभी इसकी सोप भी की गई है बंदे के साथ, कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। और अभी इसके लिए पिकअप द सोप कंटिन्यू शावर है। अभी ये भी कोई ऑप्शन आते हैं क्या गेम में कंटिन्यू शावरिंग? भाई ऐसे ना लूँगा, साबुन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही फटाफट निपट लेते हैं। और अभी हम लोग होने वाले हैं 38 ईयर्स। तो अभी मैं यहाँ पे जेल के बाहर बैठा हूँ, सब लोग मस्ती करे जा रहे हैं। और एक सेकंड भाई, इन फादर को मैंने देखा था काफी, ये फादर मुझे पहचान दो नहीं गए भाई, मम्मी पापा को बता दोगे भाई तुम? प्लीज भाई मत बताना फादर। फादर किसी को तो बुला रहे हैं और मुझे ही बुला रहे हैं। हेल्प हिम, इग्नोर हिम, हेल्प कर देते भाई। फादर ने हमारे साथ अच्छा किया, आशीर्वाद वगैरह दिया है, तो फादर की हम लोग अभी हेल्प कर रहे हैं। और पुलिस वाले भाई गेट खोल दो भाई, मुंह पे गेट कोई खोलता है क्या बदतमीज? कैसे खड़ा भी है पुलिस वाला? तो चलो अभी हम लोग फादर की फटाफट जो कुछ हेल्प मानते हैं। यहाँ पे ये डस्टबिन उठाया, बेंचेस रख के, कुछ फादर्स भी मतलब हमारी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे स्क्रू ड्राइवर मिला है, और ये बंदा भी कुछ तो कांट, अभी पागल रख लिया इसने। वन आवर लेटर मतलब एक घंटे के बाद अभी पूरा काम हो चुका है। और अभी हम लोग कुछ भगवान की प्रे कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। और फिर से हमें जेल में ला के छोड़ दिया गया है, और इसके पास स्क्रू ड्राइवर है, और ये पक्का यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला है। और अभी हम 39 ईयर्स के हो रहे हैं। तो इस बंदे ने जो कि जेल के लॉक को क्रैक करके भाग रहा है अभी ये बंदा, और नाच नाच के भाग रहा है भाई। ये बंदा मुझे लग रहा है सुधरने नहीं वाला है, इसको सुधराओ कैसे भाई मैं। और ये एक साइड राइट में देख रहा है, एक साइड लेफ्ट में देख रहा है, पर दोनों जगह पे खाली अभी ऑप्शन आएगा। तो मैं अच्छा काम करते तो राइट बोलते हैं, बुरा गया तो हम लोग लेफ्ट को चूज कर लेते हैं। चलो अभी हम लेफ्ट साइड से भागने वाले हैं। लेफ्ट साइड से मुझे लगता है ये निकल ही जाएगा, और यहाँ पे एक टनल है, और ये पक्का इधर से निकलने वाला है। मुझे फटाफट चल इसके अंदर कूद जा भाई। अभी हम लोग जो टनल के थ्रू कहाँ पे तो निकल रहा है ये बंदा, और अभी ग्राफिक्स को अलग लग रहे हैं भाई, गेम को एकदम रियलिस्टिक लग रहा था। और ये बंदा अभी कोई डेजर्ट वाले एरिया में आ चुका है, भाग भाग के भाई बहुत ज़्यादा दूर। और अभी कुछ इसको खाने पीने का जुगाड़ इसका तो बनने नहीं वाला है, क्योंकि डेजर्ट वाले एरिया में आप लोगों को तो पता ही होगा कि जल्दी कुछ मिलता नहीं। यहाँ पे तो पेड़ भी नहीं नज़र आ रहे हैं, और अभी रात हो चुकी है शाम, और उसको अभी तक एक ओके अभी तो कुछ नज़र नहीं आया मैं बोलने वाला था। और सामने एक टेंट है, पर वहाँ के लोग इसको सहारा दे तो अच्छी बात है, क्या पता इसको भगा दे, क्योंकि इसने जेल वाले कपड़े पहन रखे। अभी भी भाई हेलो, ये सब कुछ चाइनीज़ में बातें चल रही है लोगों की, भाई प्लीज़ इसको सहारा दे दो भाई कुछ रहने के लिए, फिर ये अपने घर लौट जाएगा। और ये बंदा हंस रहा है कि क्या भाई यार कौन सी भाषा कह रहे हो तुम? और ये कुछ हाथ का इशारा कर रहा है, मतलब इसको सहारा दे दिया है। और ये अभी वहाँ पे जाके आराम से सो चुका है। और अभी ये बंदा पूरे के पूरे 40 इयर्स के हो चुका है, मतलब कि ये अभी सोने के बाद उठ भी चुका है। और अभी इसको मतलब अभी इसको अपने घर निकल देना चाहिए भाई, अभी तक ये घर पे नहीं गया, 40 साल का हो गया है कुछ। ओके तो यहाँ पे एक्सप्लोर और गो होम, भाई गो होम एक्सप्लोर करते बैठेगा तो मर जाएगा भाई। खाना पीना तो अभी खा लिया होगा, बाद में मिलेगा नहीं। तो अभी ये होने वाला है कुछ 41 इयर्स का, और ये अपने अभी घर जाने वाला है। और एक सेकंड भाई, तू प्लेन से घर जा रहा है ये बंदा? और इसका फिर से वही भाई गंदी शक्ल, भाई यार तेरा वही पे नजर रहते हैं, तुझे भर दूंगा मैं। और सामने एक बाजू में बच्चा है जो कि इसके मजा ले रहा है मस्ती करके, और इसकी मॉम लगता है मम्मी पीछे बैठी है, और ये कह रही है स्विच सीट्स विद मदर, स्टेयर नहीं इसको और बिगड़ाना नहीं है स्विच, भाई आप आराम से बैठ जाइए माँ जी, और इस बच्चे को संभालिए, मैं पीछे जाके बैठ लूँगा। ऐसा कहे कि ये बंदा पीछे गया है और आराम से पीछे बैठ चुका है, और पीछे दो कोई सड़े हुए गुलाब जामुन पेटू आराम आ चुके हैं। और यहाँ पे एरोप्लेन वाली आंटी कुछ इसको कह के अपग्रेड, ये बिजनेस क्लास में भेज दिया भाई इसको, सिर्फ ऐसा दोनों ने उसको खराब कर दिया, बिजनेस क्लास में भेज दिया। और ये फाइनली 42 इयर्स का हो चुका है, और ये सिटी में आ चुका है कौन सी, तो ये इसका घर वाला। ओके तो ये इसके घर पे आ चुका है, खुद के घर पे आने में क्या ही खुश हुआ ये बंदा, चिल्ला रहा था अभी कुछ, पर इसका मुंह का जो ओट होता है वो तो बिल्कुल नहीं है। और इसका घर बहुत ही मस्त लग रहा है, और इसके मम्मी पापा अभी खुश होने वाले हैं कि हमारा बेटा आया है भाई, बहुत मजा आने वाला है। अभी से इसकी लाइफ इसको मम्मी पापा सब बता देंगे, ऐसा वैसा क्यों हुआ ये सब, पर इसके मम्मी पापा कहीं पर नज़र नहीं आ रहे भाई। एक सेकंड, वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये काई के पुत, अबे भाई साहब ये इसके साथ क्या हो गया यार? ये तो बहुत सारा मतलब अभी यार मुझे भी रोना आ जा रहा है भाई, इसको याद आ रही है लगता है इसके मम्मी पापा की, जो इसको बचपन में खिलाया करते थे, और वो अभी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, मतलब कि डैड हो चुके हैं। और ये अभी
बेकार होने वाला सीन होने वाला है भाई, बहुत बुरा सीन हो गया बेचारे के साथ। मतलब कोई इतना पैसे वाला आदमी होता है ना भाई उसके साथ, तो अब इसको रन अवे कर देते हैं। रोते रोते भाग जाएगा तू, क्योंकि यहाँ पे घर में रहेगा तो इसके साथ अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन से भाग के आया है जेल से, तो उसको पुलिस आके कभी भी पकड़ सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टैक्सी रुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं दूर, और ये बंदा अभी भी रो रहा है भाई साहब, बहुत गलत हुआ इसके साथ। और अभी हम लोग फिलहाल के लिए 43 इयर्स के हो चुके हैं, तो अभी 43 इयर्स में हम लोग एक होटल में रुके थे और कुछ नहीं, तो वो सीन मैंने कट कर दिया, उसमें क्या मजा भी नहीं आने वाला। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए 44 इयर्स के हो चुके हैं और अब एक पब में आ चुके हैं, अर्जेंट कॉमेडियंस वगैरह। ओके, तो ये बंदा भी कुछ कॉमेडियंस का शो वगैरह करने तो नहीं वाला है ना भाई, मुझे किसी ऐसा ही सीन लग रहा है। और इधर तो बंदा ने ओके, तो हम लोग जो इस बंदे को अभी एक सुपरस्टार बनाने वाले हैं और ये अभी एक शो करने वाला है, व्हाट्स डिड वन बॉबी से टू द अदर बॉब, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, हाउ आर यू। तो हम लोग यू री आर माय बेस्ट फ्रेंड करेंगे, तो ये हम लोगों को हंसेंगे क्या भाई? ओ भाई, इसने केला बेच के मार दिया। नहीं नहीं, हम लोगों ने गलत करा, फिर से करते हैं भाई। तो अभी हम लोगों को ये फर्स्ट वाला क्लिक करना था और अभी भाई सब लोग क्या यहाँ से जा रहे हैं भाई, मजे आ रहे हैं। पहले बार गलती होती है और इस बार हम लोगों को कौन सा वाला क्लिक करना है? पोलार बियर वाला। यहाँ पे मैंने पोलार बियर वाला क्लिक करा और भाई क्या यहाँ से जा रहे हैं भाई बंदे, मतलब हम एक जोक आर्टिस्ट बन चुके हैं। हैव अ ग्रेट नाइट भाई साहब, ऐसे करके अपने शो में जो बड़े बड़े शोज होने वाले हैं तो हम बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। और अभी अपने 45 एज ईयर्स हो चुके हैं और अभी अपना एक बहुत ज़्यादा ही थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा शो होने वाला है। और ये दिस होटल ट्रेड चार्ज मी $10 एक्स्ट्रा फॉर एयर कंडीशन, दैट्स नॉट कूल, दैट्स नॉट कूल को क्लिक कर देते हैं। क्या बताए, ये एक जोक वाला मतलब लाइन बन जाए। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसको मैंने क्लिक करा और भाई हंसी के, ओ भाई साहब बंदे क्या हंस रही है, तो कुदिया मार रही है भाई। और भाई अभी ये क्या, व्हाट डू यू कॉल अ काउ विद नो लेग्स, तो इसमें से कौन सा करूँ, सेकंड वाला कर देता हूँ ग्राउंड बीफ करके। और भाई फिर से पब्लिक ऐसे जा रही है भाई, पक्का ये बंदे को मैं अभी बहुत अलग लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। और अभी इसकी एज 46 हो रही है, तो 46 एज पे अभी देखते हैं बड़ा शो है कि छोटा और डाउनलोड कर। तो अभी हम लोग जो बहुत मतलब बड़े स्टार है, रेड कार्पेट से आया, सीढ़ियों से, 46 या 47 अपनी एज है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमी अपना शो देखने के लिए। हम लोग एक जोक आर्टिस्ट है और यहाँ पे वाइडू कॉमेडीज है फिंचेस, तो अभी ऑप्शंस क्या आ रहा है, तो मैं इसमें से कौन सा वाला कर लूँ, ये वाला, ये वाला। अच्छा चलो मैं ये तब तक के लिए कौन सा कर लूँ, ये वाला फर्स्ट वाला करा। और ये लोग भाई पब्लिक को हंस रहे, भाई हंस रही कितना है, मैं कितना ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट बन चुका हूँ, मतलब इस बंदे को बना दिया। व्हाट्स ब्लू एंड नॉट हैवी, तो यहाँ पे मैं लाइट ब्लू करता हूँ। और भाई साहब अपना शो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और अभी हम 47 एज के हो चुके हैं फाइनली। और अभी हम एक प्राइवेट जेट से हमारे उड़ रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गिव मी दैट बॉटल, आई हैव अ ग्लास प्लीज। अरे मुझे ग्लास में ही दो, इतना ज़्यादा मैं पी लूँगा जूस तो फिर पेट दुखेगा यार। और अपने कपड़े, अपने सोना चांदी भाई, अपना प्राइवेट जेट वगैरह आ चुका है। और यहाँ पे स्लोक स्टैंड अप भाई, मतलब कि अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है स्टैंड अप। और उसकी कार देखो भाई साहब, अपनी भी यही उम्मीद है भाई ऐसी कार वगैरह। और भाई मतलब अभी इसका बहुत ज्यादा ही बड़ा शो होने वाला है। और माय गॉड भाई सच्ची कह रहा हूँ, अभी ये 48 इयर्स का हो चुका है। और ये फिर से एक जोक आर्टिस्ट है, तो जोक सुनाने आया है, सैड स्ट्रॉबेरी, तो इसको हम कहेंगे ब्लूबेरी कहते हैं, चलो ब्लूबेरी को कहते हैं। और भाई पब्लिक हंसे जा रही है, मतलब भाई साहब मतलब और अपनी फैन फॉलोइंग। और वाई कैंट नोज और बी 12 इंचेस, तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लूँ बिकॉज दैट्स फूड, तो ये वाले पे क्या भाई साहब भाई हम लोग भी नाच के दिखा रहे हैं, मतलब पब्लिक अपने पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। और अभी हम 49 के इयर्स के हो चुके हैं, अभी हम देखेंगे कि अभी हमारे साथ क्या होने वाला है। तो भाई साहब अभी बिना किसी देरी के मैंने प्ले कर दिया हूँ यहाँ पे और भाई पूरी भीड़ लगी है भाई मेरे घर के बाहर और मैं घर के अंदर बैठा और ये कौन आ गई भाई मोटी, ये अपनी फैन लग रही है। तभी यहाँ पे ये हार्ट वगैरह आ रहा है, यहाँ पे गिव योर हग, आस्क योर टू लीव, भाई भगाना नहीं है फैन को, ऐसे भगाते नहीं है भाई उससे, मतलब प्यार से बातें वगैरह करके यहाँ पे मैं उसको हक कर लेता हूँ भाई। और मत भीड़ अबे यार मैं बोल रहा हूँ, और मत भीड़ लगा देना। और सभी लड़कियाँ लड़के सब कुछ आ गए और अभी सबको ही गले मिलना पड़ेगा, सबको ही लगना नहीं चाहिए कि इसको बुरा। तो अभी हम फाइनली होने वाले हैं 50 इयर्स के, मतलब हाफ सेंचुरी हम लोगों ने करी दी। तो यहाँ पे अपना गेम ख़त्म होने वाला है, तो अभी देखिए कि 50 इयर्स पे क्या होने वाला है लास्ट एकदम। तो चलो इसको फटाफट प्ले करते हैं।
तो अभी हम लोग जो एक एयरपोर्ट में बैठे हैं और अभी हम लोग कहाँ पे तो जा रहा है और इसने वाओ भाई इसने हम लोगों को पहचान लिया भाई। यू आर श्लोक भाई मतलब प्लीज टेल मी जोक, अभी जोक सुनाना पड़ेगा इन लोगों को। चलो ओके बोलते हैं, अभी सुना देते हैं। व्हाई डू यू कॉल अ कैलकुलेटर दैट वर्क्स इंसर्टली अ कैलक्यूना और कंप्यूटर। तो हम लोग कैलक्यूना कर रहे हैं, नाम एकदम मैचिंग हो रहा है और ये लोग ऐसे जा रहे हैं मतलब कि हमारा जोक लोगों को क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को भी आ रहा है कि नहीं कॉमेंट में बताना। और अभी क्या है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग द सफर रिंग, तो सफर रिंग पे क्लिक करा और फिर से ऐसे भाई मतलब मजे आ जा रहे। स्टार्टिंग में हम लोगों को सबने कुछ तो फेंक के मारा था और हमारे लाइफ अभी बहुत निकल पड़ी है। आगे 100 ईयर्स तक खेलेंगे पर इसका नेक्स्ट पार्ट बना होगा अगर आप कमेंट्स करोगे तो, क्योंकि पता है कमेंट्स के ऊपर डिपेंड है, करोगे तो खेलूंगा नहीं तो छोड़ दूंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो बताना जरूर कमेंट में, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भी कमेंट में पार्ट 2 लिख दो या कुछ भी जो माने वो लिख दो, इसका गेम प्ले नेक्स्ट बना वगैरह कुछ भी। या इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे फॉलो नहीं करा तो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी बता दोगे तो मैं मतलब फटाक से वीडियो डाल दूंगा, कल नहीं तो परसों पक्का, नहीं बताओगे तो नहीं डालूंगा। और हाँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो ऐसे वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का बटन है दबा लो और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लो ताकि मैं वीडियो डालूंगा तो पता चले कि नहीं करोगे सिर्फ सब्सक्राइब करोगे तो पता कैसे चलेगा, तो कर लेना। और शेयर करना वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह सब में, और कमेंट बताना कि वीडियो कैसी थी कैसी नहीं जो कुछ है कमेंट में बताना। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो, नहीं तो मैं नहीं लाता हूँ, आपको पता ही है आप लोग करते नहीं हो कमेंट, तो प्लीज़ यार करा करो। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी आवाज़ बीच बीच में कुछ एलियन टाइप आ रही होगी तो प्लीज़ भाई मतलब सॉरी, क्योंकि माइक थोड़ा आपको माइक नहीं मतलब हेडफोन्स थोड़े कच्चे हैं आपको पता ही है। तो फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इसके कुछ कुछ पार्ट मैंने जो कट करे वो भी चाहिए होगी तो कमेंट में बताना, मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम नहीं तो फेसबुक ट्विटर पे, तो वो देखनी होगी तो वो भी बता देना। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तब के लिए गुड बाय।